हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 341 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंत में हमने यून फियांग को देखा था, जो कि हमारे लिन पेंग को स्नोई कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है और कहता है लिन पेंग। तो मैं यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मुझे पता है स्नोई कॉम्पिटिशन में कोई ज्यादा बड़ी बैटल नहीं होने वाली, उसमें बहुत सी स्टेजेस आने वाली है जिन स्टेजेस को तुम्हें पार करना होगा, और वो सारी स्टेजेस पता करेगी कि तुम्हारा पोटेंशियल, तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, ये पता करने वाली है। यानी कि तुम्हें उसमें फुल अपना दिमाग लगाना होगा और सारी स्टेजेस को पार करना होगा, जब जाके तुम फाइनल स्टेज तक पहुंचोगे। यानी एक दो लेवल करके ऐसे करके फिर लास्ट तक जो फाइनल स्टेज आएगी उसको तुम्हें पार करना होगा, तब जाके तुम स्नोई कंपटीशन को जीतोगे और तुम्हारा रैंक डिसाइड किया जाएगा। और इस स्नोई कंपटीशन की स्टेज के दौरान तुम्हें बहुत सारे ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम्हें यानी बाकी के लोगों को भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ब्रेक थ्रू करने की, यानी वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और बाकी के सब्जेक्ट कंट्री से जितने भी लोग हैं उन सारों को भी बहुत ज्यादा मौका मिलेगा स्नोई कंपटीशन के दौरान ब्रेक थ्रू करने का, और वो इतने ज्यादा एबल हो जाएंगे वो फाइनल बैटल में भी यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। यानी कि सामने वाला भले कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर स्नोई कंपटीशन के दौरान स्टेजेस के दौरान अगर उन्होंने कंटिन्यूस ब्रेक थ्रू करा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सामने वाला भले एक एंशियंट ब्लड एम्परर क्यों ना हो, वो उसका भी सामना कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो कि यहाँ पे अपनी पावर को शो करने वाले हैं स्नोई कंपटीशन के दौरान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू करेंगे। लिन फेंग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो क्या, वाकई में ये गेम का रूल है, तो मेरे को तो पता ही नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो बहुत से टॉप के जीनियसेस यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं स्नोई कंपटीशन के दौरान। यून फियांग, क्या वाकई में यही रूल है स्नोई कंपटीशन का। जबकि यून फियांग बोलता है लिन फेंग, तुम यहाँ पे चिंता मत करो, जब समय आएगा तो तुम अपने आप ही सब कुछ समझ जाओगे, और जितना मैंने तुम्हारे बारे में जाना है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मेरे को पता है कि तुम इम्प्रूव तो बहुत ज्यादा करने वाले हो स्नोई कंपटीशन के, स्नोई कंपटीशन के दौरान तुम बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू करने वाले हो और बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाले हो। कि लिन फेंग कहता है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है यून फियांग, वाकई में तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो। लिन फेंग मन में सीरियस होकर सोचता है, ये यून फियांग अचानक से ज़ुयु किंगडम में पता नहीं कहाँ से अपीयर हुआ, वो भी ज़ुयु किंगडम के ब्रोकन ब्लेड सिटी से। और ये यून फियांग हमेशा अपने सामने वाले को इतना ज्यादा सरप्राइज कर देता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, इसको सबके बारे में बहुत कुछ पता है, और इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से इसको इतनी सारी चीजें पता है कि जिसके बारे में तुमने आज तक सुना भी नहीं है। आखिर सबको मतलब इसको इतने बारे सब चीजों बारे में कैसे पता चला, सब कुछ तो सुने से ठीक है, लोग रहने वाले लोग ही जानते होंगे। जबकि हमारे यून फियांग हमारे लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग अब तुम ऐसे खड़े क्यों हो, चलो मैंने पूछ लिया, मैंने एक बंदे से भी यहाँ पे बात करी है, उसने बताया जो स्नो लॉस सिटी है वो स्नोई सिटी से भी बहुत ज्यादा पुराना है, तो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा वॉल करके आते और देखते आसपास की जगह को और जांचते आखिर चल कह रहा है स्नोई लॉस सिटी में। लिन फेंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वो जावेद से कहता है, जावेद तुम भी हमारे साथ चलो, हम भी जो जाके सोलो सिटी को घूमते। जबकि हमारा यून फेंग कहता है, बहुत बढ़िया चलो चलते हैं। लोग मस्त चलते हुए जा रहे होते हैं मार्केट वगैरह में, दिखाते हैं जो हमारा वो होता है। यून फेंग बोलता है कि ब्रदर ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और सोलो सिटी बहुत ज्यादा पुरानी भी है स्नोई सिटी से। जबकि हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे कुछ महसूस करता है और कहता है, यहाँ की जो हवा है इसमें अर्थ एसेंस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप पावरफुल बन सकते हो, और ये हमारी लोंगचा एम्पायर ज़ुयु किंगडम से बहुत ज्यादा पावर है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ एसेंस है। मैं कहता है यही तो वजह है कि स्नोई लॉस सिटी में इतनी ज्यादा एयर है जिसकी हेल्प से कल्टीवेटर्स अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं और इंस्टेंट ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा इजीली आगे जा सकते हैं। इनकी एयर में जो अर्थ एसेंस है वो लॉन्गशे एम्पायर से तो कई ज्यादा है। जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे शायद अपने पास से फाइन वाइन को निकालता है, क्योंकि अभी तो पता नहीं वो फाइन वाइन है या नहीं, क्योंकि लिन फेंग ने अभी तक कुछ कहा नहीं है इसमें। लिन फेंग बोलता है कि इस चीज को मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि अर्थ एसेंस एयर में बहुत ज्यादा है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे जाके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसको बाहर निकालना चाहिए, इसको पीना चाहिए, फाइन वाइन नहीं होती। तो लिन फेंग कहता है, चलो इस फाइन वाइन को पी ही लेते हैं, अगर मैं ऐसी जगह पे इसको पीता हूँ तो मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लिन फेंग साथ ही उसका जो ऊपर का टिकन होता है खोलता है, साथ ही दिखाते वो उसको पीना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गुड है, ये फाइन वाइन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मजा आ गया इसको पी के। वो कहता तो नहीं है क्योंकि वो फाइन वाइन को पी रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि ये फाइन वाइन तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लिन फेंग साथ ही उस फाइन वाइन को पकड़ता है और फियांग से बोलता है, फियांग ये फाइन वाइन जो है बहुत ज्यादा टेस्टी है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, क्यों ना तुम भी इसको ट्राई करो, तुम्हें भी जरा इसको पी के देखने चाहिए, तो क्या बताइए तुम्हें भी अच्छे लगे, यहाँ पे पीने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है, तो तुम इसको ट्राई क्यों ना करो, यानी कि तुम इसको ट्राई करके जरूर देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी इस जगह पे। लिन फियांग यहाँ पे थोड़ा सा वैसे होकर बोलता है कि लिन फेंग तुम इसको क्यों ना तुम ही पियो, क्योंकि ये तुम्हारी है और तुम्हें इसको पीना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जबकि मेरे को यहाँ पे किसी और से चीजें लेके नहीं पीना, क्योंकि मुझे किसी और की चीजें नहीं
पीनी चाहिए तो तुम इसको पी सकते हो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। दिखाते वहाँ पे भागते हुए बहुत से घोड़े वगैरह आ रहे होते हैं और सारे लोग वहाँ पे चला रहे होते हैं कि चलो चलो सामने से हट जाओ, हमें आगे आने दो, यहाँ पे हमें रास्ता छोड़ो, हमारी जो यंग में से यहाँ पे आ रही है हट जाओ सामने से। लिनफेंग और फेंग दोनों ही वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे एक लड़की जो होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा एक हंटर होता है, उसके पास एक हंटर टाइप का कुछ होता है, उससे वो लोगों को मारी होती है जो कि उसके रास्ते में आ रहे होते हैं। वो कहती है लड़की कि सारे लोग मेरे सामने से दफा हो जाओ, तुम सब लोग कीड़े मकोड़े चलो मेरे सामने से हट जाओ। वो लड़की जो होती है वो घोड़े पे भागते हुए जा रही होती है और जो भी उसके सामने आता है उससे हंटर की तरह मारी होती है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से मारी होती है। साथ ही कहती है चलो बहुत बढ़िया कुत्तो, मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम नहीं हटते तो तुम्हें ऐसे ही मारा जाएगा और पीटा जाएगा। बाकी में जो वो लड़की होती है बहुत ज्यादा जालिम होती है और उसमें तो कोई भी दया वया नाम की कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि जाया बोलती है ब्रदर तुमने देखा वो लड़की कितनी ज्यादा जालिम है, वो यहाँ पे आने वाले नॉर्मल जो कल्टिवेटर ये लड़के हैं वो यहाँ पे से जा रहे हैं सड़क से रोड से, वो वहाँ पे उन सबको मार दी जा रही है, वो पता नहीं कौन सी है लड़की कितनी ज्यादा जालिम है जो कि अपने सामने वाले रोड के सामने आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा पीट रही है। क्योंकि वही लड़की जो कि चिल्लाते हुए जाविया से कहती है तो कमी नहीं हो रहा तेरी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई, चल मेरे सामने से हट जा वरना तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाली। जो अपना वो हंटर टाइप होता है उससे वो जाविया की तरफ हमला करती है, वो हंटर जाविया की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से एक हाथ आके उस हंटर को रोक लेता है जो कि यहाँ पे हमारे लिनफेंग ने रोका होता है और लिनफेंग बोलता है अरे लिनफेंग उस लड़की से बोलता है कि चुपचाप से ऐसे दफा हो जाओ वरना तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि सारे बुरे लोग जिनको यहाँ पे रोका जाता है लिनफेंग द्वारा, तो वो सारे लोग बस एक ही बात कहते हैं कि आखिर तुम्हें मेरे को रोकने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुमने मेरे को रोकने की यहाँ पे हिम्मत कैसे की। जबकि लिनफेंग यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है, साथ ही जो उसका हंटर रहता है उसको यहाँ पे खींचने लगता है जिससे वो लड़की भी वहाँ पे खींची चली जाती है। जबकि उसके साथ एक और बूढ़ा शख्स रहता है, पता नहीं वो उसका फादर है कौन है, वो साथ ही कहता है कि रुक जाओ प्लीज यहीं पे रुक जाओ और आगे मत बढ़ना और उसको छोड़ दो। बंदा जो होता है हमारे लिनफेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जबकि दिखाते हैं हमारा जो युनफेंग होता है वो लिनफेंग के सामने आ जाता है, उस बंदे को रोकने लगता है। तो युनफेंग लिनफेंग के सामने आके अपनी पावर को रिलीज करता है, सिर्फ उसकी पावर के रिलीज करने की वजह से जो वो बंदा जो कि लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था वहीं से काफी ज्यादा दूर हटने लगता है और पीछे हटने लगता है, क्योंकि जो युनफेंग होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल होती है। जो लिनफेंग होता है साथ ही वो जो रस्सी पकड़ी हुई होती है उसको वहीं पर छोड़ देता है, जिससे वो जो लड़की होती है वो पीछे की तरफ हटती है। वो लड़की पीछे की तरफ हटने के बाद लिनफेंग से कहती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने यहाँ पे एक्शन लेने की, मेरे खिलाफ एक्शन लेने की, अब तो मरने वाला है। जबकि लिनफेंग उस लड़की से कहता है कि लिनफेंग बोलता है कि मैंने तेरे से पहले भी कहा था कि यहाँ से चुपचाप से दफा हो जा तो यहाँ पे बच जाती, और मैं तेरे से अभी कह रहा हूँ कि दफा हो जाए यहाँ से दफा हो जाए, मैं ज्यादा कुछ तेरे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जबकि वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से से कहती है कि तू लड़के तू अपनी मौत ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मेरे से पंगे मत ले, चुपचाप से मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरे को यहाँ पे माफ करती हूँ, मेरे सामने घुटने टेक और माफी की भीख मांग तो हो सकता है मैं तेरे को माफ कर दूंगी। जो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे अपनी पावर्स को धीरे धीरे करके रिलीज करने लगता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है। जबकि वो लड़की जो होती है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रही होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो भी यहाँ पे कहती है लिनफेंग से कि लगता है तू ऐसा नहीं मानने वाला। लिनफेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे उस लड़की की तरफ, लिनफेंग जब चलते हुए उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि जो उस लड़की के पीछे जो बंदा होता है वो कहता है यंग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा ना लिया जाए तो ही बेहतर होता है, हमें यहाँ से जाना होगा। यंग में से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हम भले इस लड़के से यहाँ से पीछे हट के कैसे जा सकते हैं, इस लड़के ने यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत किया है, उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जबकि जो वो बंदा होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है यंग में वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पता नहीं युनफेंग की तरफ ही देख रहा होता है, युनफेंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। वो बंदा कहता है यंग में से हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें डील करनी नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम उनसे डील ही नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सन और पीस, गुड बाय।